दूरी दूर हो पोरी जरा जवळ हो प्रेमाचरण तुझा उधर हो। ओए होए क्या बात है, माय गॉड। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वही सॉर्ट ऑफ सेम कल्चर पोर्ट्रे किया जा रहा है अलोंग विद दैट इन्होंने नवारी साड़ी पहनी है, यू नो, एंड द कलर्स, उसके जो रंग हैं वो सब निखर के आ रहे हैं, सो आई थिंक वो सिमिलैरिटीज होंगी। आई विल ऐड समथिंग टू दैट, जो जिस औरत ने पीसी की साड़ी ड्रेप की थी बाजीराव मस्तानी के 190 डेज के लिए, वही आई थी मेरी साड़ी ड्रेप करने के लिए। और उसने मुझे बाजीराव मस्तानी के टाइम पे जब मैं असिस्टेंट थी मुझे बोला था कि ए सरवली, जब तू पहली पिक्चर करेगी मैं आएगी तेरी साड़ी बांधने। तो आई वाज लाइक कि आओ मैं साड़ी कहाँ पहनूंगी अपनी पहली पिक्चर में। पता लगा कि मैं नौवारी साड़ी पहन रही हूँ मेरी पहली पिक्चर में और उसको ही आके बांधना पड़ा, तो मैं बहुत खुश थी। आई मीन ऑलवेज ऐसे कई लोग होंगे जिन यू नो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनको ना पसंद है और कई लोग ऐसे होंगे जिनको पसंद है, बट आई थिंक कि हमें एक किताब को उसके कवर से जज करना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक जब पिक्चर रिलीज होगी और लोग जाके देखेंगे तो वो यू नो उसके बाद अगर आप कुछ कहें तो फिर मैं समझूं, बट यू नो डोंट जज इट बिफोर द मूवी रिलीजेस। और जब एक बार आप देख लें काम 25 है, but I think you know एक बार आप पिक्चर देखें आप देखेंगे हमने कितनी मेहनत और कितने प्यार से बनाई है, and I'm sure that everyone will love it. Yeah. Hello, also, this is Saksh. Also positive and negative criticism दोनों हमेशा आएंगे, या तो ट्रेलर पे आएंगे या तो पिक्चर पे आएंगे या तो गाने पे आएंगे, हमको दोनों सुनने चाहिए और जो हमें उस जरूरत है उसमें से लेके आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। आप अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म है तो अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है तो हम बहुत खुश है। यू नो एक तो टू बी कंपेयर्ड टू रणवीर सिंह, आई थिंक मुझे मेरी जर्नी अभी बहुत बहुत लंबी जो है बाकी है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड यू नो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बट एट द सेम टाइम यू नो आई फील ऑनर्ड टू बी इवन कंपेयर्ड टू समवन हु इज सो बिग, यू नो, और उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी सारी फिल्में की हैं, यू नो, आई थिंक तो होपफुली मुझे भी इन द फ्यूचर अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। एंड यस आई थिंक कि दाढ़ी और बियर्ड लॉन्ग हेयर का जो लुक है उस वजह से सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटीज हैं, बट जब आप पिक्चर जाके देखेंगी तो आप मीज़ान को पाएंगी और शिवा को पाएंगी और ना कि किसी और को। असिस्टेंट से एक्ट्रेस का सफ़र, मैंने अपनी वजन कम की, फिर उसके बाद मैं एक्टिंग स्कूल गई और एक्टिंग स्कूल के बाद मैं आई वापस बॉम्बे और संजय सर ने मुझे मंगेश सर से मिलाया। जब मैं असिस्ट कर रही थी मुझे मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो सफ़र उस टाइम पे तय थी, तो मुझे बस मेहनत करनी थी उसके बाद एज अ एक्टर। और एज एन असिस्टेंट मुझे बहुत बड़े एक्टरों से सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली, एक सेट पे रह के इन द फॉर्म ऑफ एन असिस्टेंट। जब प्रियंका चोपड़ा जी, जब दीपिका पादुकोण जी, जब रणवीर सिंह जी मेरे सामने थे तब मैं उनसे बहुत सीख मिली मुझे, और संजय सर से भी, कैसे वो एक्टर से बात करते हैं, कैसे वो उनको डायरेक्शन देते हैं। तो बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर उसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया इन बीइंग एन एक्टर। मैं कुछ भी कहूँ मेरा आप लोगों पर कंट्रोल नहीं है, सो इट डज नॉट मैटर मेरे बोलने से क्या होता है। एंड आई थिंक दैट यू नो अभी तो घुटने पे गया और मैंने इनको तो प्रपोज कर दिया, आप इनकी कहानियाँ लिखिए ज़रा अभी। और नो यू नो जहाँ की नव्या की बात आती है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, यू नो मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड है और कॉलेज में उनके साथ अभी पढ़ रही हैं न्यूयॉर्क। सो आई थिंक जस्ट बिकॉज एक पिक्चर किसी के साथ में आती है दोस्तों की तो लोगों को लगता है ओके ये साथ में हैं, यू नो, सो ऐसा है नहीं। बट फिलहाल शिवा और आस्था की कहानी चल रही है आगे और उसको बढ़ाते हैं। वो पहले तो मुझे सलमान सर से लाइक बहुत लाइक लगाव है, मैं उनको 4 साल की उम्र से देखती जा रही हूँ और तब से मुझे उन पर लाइक छोटा बहुत क्रश है, क्योंकि लाइक प्यार किया तो डरना क्या। मैं आई थिंक मैंने वो पिक्चर आई थिंक 6 बार देखी है। मुझे उनसे जेन्यूनली लाइक जब मैं देखती हूँ उनको मुझे विश्वास नहीं होता है कभी कभी कि वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ और वो मेरा काम देखते हैं।
सलमान सर और शाहरुख सर दो लोग जिनको मैं लाइक कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि उनको मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है. बट और वो लाइक रोमांटिक हीरोज है. कोई भी लड़की लाइक शब्द खो दे उनको देखते देखते. तो लाइक मैं तो बहुत खुश हुई थी जब दोनों ने मेरे बारे में ट्वीट किया. मैंने बोला कि तो वो था मेरा मोमेंट. और या आपने पूछा कि मेरे डैड से क्या सीख मिली है वेयर एज इट कम्स टू डांसिंग. यू नो बचपन से डैड इज समवन जो ब्रेक डांस का जो होल वेव है और जो नया जो ये टाइप ऑफ डांस जो आज लोग कर रहे हैं उसको बॉलीवुड में लाने वाले एक्चुअली मेरे डैड हैं. यू नो कई लोग ना भी कहेंगे, कई लोग का ये नहीं मानना है, बट यू नो डजंट मैटर. एंड यू नो मेरी जंग के टाइम से, बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल के टाइम से वो चीज़ें देखना. एंड यू नो उसके बाद भी उन्होंने जो सारी फिल्में की हैं और उसके बाद बूगी उगी जो 17 साल चला है, फिर आप उसके सेट्स पे जाते हो, उनके अलावा बाकी डांसर्स को देखते हो, वो जिस तरीके से उनको क्रिटिक करते हैं, उनका काम जज करते हैं, तो उससे जो आपको सीख मिलती है और उन चेंजेस को आप अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं इतना लकी हूँ कि एक्चुअली मुझे ऐसे प्रोफेसर्स मिले हैं घर पर, जैसे मेरे दादा हो गए और मेरे डैड हो गए, तो उनकी वजह से जो आज यू नो सीख मिली है वो उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा. मेरा नाम का मतलब लकी और ऑस्पिशियस है, तो मेरी दादी ने मेरा नाम रखा था. तो मीजान का मतलब होता है बैलेंस. तराजू गया. प्रियंका चोपड़ा, शी इज समबडी टू लुक अप टू. द वे दैट आई ऑल्सो वॉच्ड हर वर्क. So watching her work makes you respect the person 100 times more. And also not actor, but I really want to say this, Sanjay sir. Like, my respect for that individual grew so, it became from Mama to Sanjay sir. That's what respecting somebody, that's the amount of respect that the man commands. So Sanjay sir and as an actor, Priyanka Chopra. For me, obviously Sanjay sir will always hold a very very special place for me, but aapka sawal actor ke bare mein hai, so I think actor for me will always be Amitabh Bachchan and Dilip Kumar, and I've always watched their films bachpan se hi. Aur aaj bhi aap wo picturon ko dekho to aapko itni seekh milti hai. Aap ek hi scene utha lo, usme aapko 10 tarike mil jayenge ki kaise kiya hai scene. So they are an institution for me, and I think you know I would love to be amazing at my craft as well as they are.